मॉर्निंग। सो दिस इज़ अराउंड 10 और हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं टुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन। और आज हम जा रहे हैं, गेस करो कहाँ? बंजारा मार्केट। और आज हम करने वाले हैं वहाँ से खूब सारी शॉपिंग। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आई डोंट नो कितना ब्लॉग कर पाऊँगी क्योंकि फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और आपको डायरेक्टली मैं बंजारा मार्केट में मिलती हूँ। सो फाइनली रीच्ड बंजारा मार्केट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। और यहाँ पे एंटर करते ही बहुत ही ब्यूटीफुल से वासेस और कटलरीज देखने को मिल रहे थे। वासेस में काफ़ी सारे पैटर्न्स थे और आपको 100 रुपीज़ से लेके 250 के रेंज में काफ़ी सुंदर मिल जाएंगे। कटलरीज में भी बहुत ही डिफरेंट तरीके की कटलरीज आई थी जो कि इस बारी देखने को मिली ग्रीन कलर में। यूजुअली इस तरीके की येलो एंड ब्लू काइंड ऑफ मिलती है। एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लेटर्स वगैरह थे और बोल सेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। बहुत डिफरेंट तरीके की ट्रेज और प्लेट्स वगैरह मिल रही थी। यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रश होल्डर्स, सोप होल्डर्स वगैरह भी मिलेंगे। इस तरीके के डोंगा सेट वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे थे जो कि जस्ट फॉर 600 आपको मिल जाएगा सेट ऑफ 3। एंड यू कैन सी है जो कि इंस्टाग्राम ट्रेंडी और बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन बिकने वाली कटलरीज और वासेस वगैरह भी आपको बंजारा मार्केट में मिल जाएंगे जो कि इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं। और आपको ना मिरर्स की तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी इस मार्केट में और कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है इसकी। देन बंजारा मार्केट में आपको बहुत ही होम डेकोर की सुंदर सुंदर पीसेस देखने को मिलेंगे। और इस बारी ब्रास में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला मुझे। और वुडन वर्क में तो काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये स्टूल आप देख रहे हो जो कि मल्टीपर्पज़ है, इसको आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपको ना अच्छे से पॉलिश करके देते हैं। देन यू आर गेटिंग प्लांटर्स, सेट ऑफ 3 था ये। एंड मेटल के वासेस वगैरह भी काफ़ी सुंदर सुंदर थे। एंड मिरर्स में भी काफ़ी वैरायटी थी, राउंड में भी मिरर्स थे, देन कुछ शो पीसेस काइंड ऑफ भी थे। और आपको ऐसे रेक्टेंगल वाले भी लंबे वाले मिल जाएंगे। एंड यू कैन सी दीज ऑर्गेनाइजर्स जो कि आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो, अपने वैनिटी पे रख सकते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए। लैम्प्स देख रहे हो, मैक्रमे के भी काफ़ी सारे चीज़ें थी, जैसे कि ये वाला आप जो देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं था, बट ये आपको अराउंड 300 में ये दे रहे थे। देन ये एक शॉप थी बंजारा मार्केट में जो कि गायस, अभी मैं रिसेंटली दिल्ली में गई थी, इससे पहले जब गई थी तो मैंने शॉपिंग की थी जिसका मैंने अभी तक हॉल नहीं बनाया है। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें वैसी ही यहाँ पे मिल रही थी और रेट जो है ना इसका मोर और लेस सेम ही था। मैं तब घंटा घर से शॉपिंग करके आई थी वहाँ के होलसेल मार्केट से, और बंजारा मार्केट में भी वही सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने को मिली और रेट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था, बहुत हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे था। एंड इस शॉप में ना गाइस काफ़ी सुंदर सुंदर एंटीक चीज़ें थी जो कि आप देख सकते हो। ये सुंदर सा ड्रॉअर था, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा फाइन वर्क नहीं कर रहा था, अच्छे से खोल नहीं पाओगे इसको आप, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देन यू कैन सी दीज टेबल एंड चेयर जो कि अगर आपके पास गार्डन है तो आप बाहर रख सकते हो, या फिर आपकी बैल्कनी बहुत बड़ी है तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो, चाय वाय पीने में बहुत अच्छा लगेगा। देन दिस प्लांटर होल्डर है, ये आप प्लांट्स वगैरह को रख सकते हो। देन लुक एट दिस झूला गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप इसे अपनी छत पे लगा सकते हो, अपने गार्डन में रख सकते हो। आई वॉज इन लव विद दिस झूला, मुझे बहुत पसंद आया। अगर मेरा घर दिल्ली में होता मैं फॉर श्योर इसे ले ली होती। देन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मंदिर तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता तो मैं लेकर के नहीं आई थी।
ये शॉप थी, यहाँ पे सारी वुडन चीज़ें थी गाइस, और बहुत ही एंटीक और सुंदर सुंदर चीज़ें थी, आप देख सकते हो। कॉर्नर टेबल्स वगैरह भी यहाँ पे थे, जो कि आप शो पीसेस वगैरह के लिए या फिर इंडोर प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हो। मिरर तो गाइस मेरा दिल आ गया था, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था मैं लूँ, और मैं लेकर के भी आई हूँ, जिसका हॉल आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे एंटीक चीज़ें थी, जैसे तोप हो गया, जैसे गन्स वगैरह हो गया, साइड टेबल्स वगैरह भी थी, टेबल चेयर्स भी थी, वासेस थे, देन दिस इज़ ए लाइन टेबल गाइज, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, ये भी मैं एक लेकर के आई हूँ। देन यू कैन सी दिस प्लांट रैक्स गाइज, ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी यहाँ पे। एंड आपको ट्रेज वगैरह भी, वुडन वैरायटी काफ़ी सारी थी, ट्रेज मिल जाएंगे आपको, इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस और काफ़ी वैरायटी थी। मिरर्स में भी ना इस बारी आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। पहले तो वो कटवर्क वाले मिलते थे ना, बट इस बार काफ़ी अलग अलग तरीके की वुडन में ही फ्रेम्स और मेटल में भी फ्रेम्स देखने को मिल रहे थे। ट्रेज देखो गाइज, ये पहले थोड़ी इस तरीके की मिलती थी, बट इस बार और भी डिफरेंट वैरायटी देखने को मिली थी, जैसे कि ये सर्कुलर वाली, जिसके साइड साइड में आपको मेटल का वर्क देखने को मिल जाएगा। देन ये कुछ अगर आप अपने टेबल पे रखना चाहते हो कुछ प्लाचर वगैरह, तो वो आप रख सकते हो। कप्स वगैरह में भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी। ये एक शॉप है गाइज, यहाँ पे अलग अलग तरीके के मिरर्स थे, आपको वहाँ पे 4 फिट 5 फिट 6 फीट तक के मिरर्स मिल जाएंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं, तो अगर आप किसी और सिटी में लेकर के जाना चाहते हो, देन इट इज़ अ टास्क गाय गाइज। सो मैं कैसे कैसे मैनेज करके लाई हूँ मैं ही जानती हूँ। प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई कोट करते हैं, बट इफ़ यू नो हाउ टू बार्गेन तो आप इजीली बार्गेन कर लोगे। देन अगेन, ये एक शॉप थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर होम डेकोर के पीसेस थे, बट ये बिल्कुल भी बार्गेन नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसी शॉप्स होती है ना गाइस, जिनके शॉपकीपर्स को पता होती है कि मेरे पास जो पीसेस हैं वो मार्केट में कहीं और नहीं हैं, तो वो बहुत ही कम बार्गेन करते हैं। बट कुछ ऐसे पीसेस होते हैं मार्केट में जो कि आराम से हर जगह पे, हर शॉप्स पे आपको मिल जाएंगे विद इन बंजारा मार्केट, तो वो आपको अच्छे से बार्गेन करके दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की शॉप से परचेज़ करो, किसी और के शॉप पे ना जाओ। जैसे कि मैंने मिरर जो है लिया है जस्ट फॉर ₹1200, जो कि इनिशियली उन्होंने मुझे प्राइस कोट किया था 4500 का फॉर 4 फिट। एंड देन अगेन, ये एक शॉप है, यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर होम डेकोर के पीसेस थे, और कुछ इस तरीके के जूट के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में, जो कि आप ले सकते हो अपनी वैनिटी पे रखने के लिए, या फिर आप किसी भी टेबल लेवल पे रख करके आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो। देन ये एक शॉप थी जहाँ पे आपको ना फाउंटेन्स मिलेंगे, बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ थी इस शॉप में ना, बुद्धास की भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी थी। ये बोल रहे थे कि बहुत सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह वाले भी यहाँ से आके शॉपिंग करके जाते हैं, अपनी 5 स्टार की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये, एंड इट इज़ अ टास्क टू कैरी दीज पीसेस टू योर प्लेसेस गाइज। एंड इस जगह पे ना कूलर चल रहा था, तो हम थोड़ी देर जाके यहाँ पे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब मैं गई थी ना तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एंड लुक एट दिस पीस, बंजारा मार्केट लिखा हुआ था। देन गाइस, बंजारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आप जा रहे हो तो एक अम्ब्रेला लेके जाना गर्मियों के टाइम पे, एंड टेक योर वाटर बॉटल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने वाली है आपको वहाँ पे। यहाँ पे रग्स वगैरह भी और कुछ थ्रो भी मिल रहे थे, जो कि आप अपने सोफे पे डाल सकते हो। वी आर बैक फ्रॉम बंजारा मार्केट।
सो हॉट देयर, बहुत ज़्यादा. मतलब पहले हमने इनिशियली सोचा था कि पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे मार्केट, समझ लेंगे मार्केट में क्या है, कैसे है, कौन सा चीज़ कहाँ बेचा मिल रहा है, डील्स क्या क्या हैं, कितने कितने का क्या क्या पड़ सकते हैं. उसके बाद हम लोग चीज़ों को परचेज करना स्टार्ट करेंगे. सो एक बार पूरा एक राउंड घूम लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद परचेजिंग स्टार्ट की. तब तक इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी ना कि लग रहा था बस लो और निकलो. अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी. अभी तक का मतलब पहले के वाला बंजारा मार्केट जो था वो था सेक्टर 56 में, 56 और 57 दोनों में है बंजारा मार्केट पुराना वाला. और नया वाला जो बंजारा मार्केट था वो था 62 में. सो मैंने 56 में तो पहले से परचेज़ किया हुआ है. आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसका एक्सप्लोर वीडियो और हॉल दोनों देखने मिल जाएगा इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. और अब भी जो नया वाला बंजारा मार्केट है, आई थिंक कोविड के टाइम से उसके बाद ही शिफ्ट हुआ है. सो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज. तो मैंने कुछ हॉल्स वगैरह देखे, कुछ एक्सप्लोर वीडियोस देखे यूट्यूब पे, देन आई गॉट टू नो कि 62 में भी बंजारा मार्केट है और 56 में भी बंजारा मार्केट है. दोनों अभी चल रहे हैं, 62 नया वाला है. और आप बेसिकली अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हो तो मेट्रो से अगर आप येलो लाइन पे भी हो कहीं पे तो आपको आ जाना है सिकंदरपुर, या फिर अगर आप रेड लाइन पर भी हो तो एनी हाउ आप येलो लाइन पे आ करके कनेक्ट करके सिकंदरपुर उतरो. सिकंदरपुर से आपको डायरेक्टली भी जा सकते हो आप मार्केट में. कौन सा लैंडमार्क है दी? एचपी पेट्रोल पंप है? नहीं, जो एक बिल्डिंग थी जेडी एम्पायर तक. हाँ, जेएमडी एम्पायर. जेएमडी, हाँ. जेएमडी एम्पायर एक नियरेस्ट लैंडमार्क है. वहाँ तक अगर आप पहुँच रहे हो उसी के आगे ही आपको मिलेगा. अगर आप जैसे ऑटो बुक कर रहे हो या फिर आप कैब बुक कर रहे हो तो आप जेएमडी एम्पायर डाल करके जा सकते हो. उसी के थोड़ा सा ही आगे बंजारा मार्केट स्टार्ट हो जाता है. और एक चीज़ और, या फिर आप कर सकते हो, अगर आपको मेट्रो से जाना है तो फिर आप रैपिड मेट्रो ले लो सिकंदरपुर से, और फिर वहाँ पे आपको 55-56 पे उतरना है, सेक्टर 55-56. फिर वहाँ से आपको ऑटो करनी पड़ेगी. बट अगर आप ना अकेले नहीं हो और अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, दो लोग भी हो ना, तो आई वुड से कि मोर और लेस उतना ही चार्जेस पड़ते हैं आपको. 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इतना चेंज करोगे रैपिड मेट्रो, और बहुत देर देर से भी आती है, तो आई वुड से कि आप कैब बुक करके या फिर ऑटो बुक करके ही जाना. ऑटो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तो आप चाहो तो ऑटो से जा सकते हो. एंड वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. एक चीज़ और जाकर के हमें वहाँ पता चली कि अगेन दे आर शिफ्टिंग, और अभी दो लोकेशंस पता चल रही हैं, वो है सेक्टर 70 एंड सेक्टर 58. तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो परमानेंट होने वाली हैं. उनका कॉन्ट्रैक्ट होएगा फॉर 15 इयर्स और 20 इयर्स का, और उनको एक जगह प्रॉपरली मिल जाएगी उनके घर के लिए, उनकी शॉप के लिए. तो दैट्स अ गुड थिंग. अभी तक वो बेचारे इधर उधर हो रहे थे और हमें भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही थी कि कहाँ पे है मार्केट, कहाँ पे नहीं है. तो फिलहाल मार्केट जो है शिफ्ट हो रहा है आजकल में ही. मतलब मैं तो गई थी ना, तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा शॉप्स ओपन ही नहीं थे. एक तो 2 अक्टूबर था, बट उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मार्केट्स एक्चुअली शॉप्स जो हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं. तो इस समय एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा आपको रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जा रही हैं. मतलब उनका जो भी परचेज प्राइस है ना, लगभग लगभग उतनी या उससे थोड़े कम में भी वो दे दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनको सब चीज़ जो है ना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करनी है. तो वो सोच ये रहे हैं कि जितनी चीज़ें वो अभी बेच सके, जितना कम सामान उन्हें लेके जाना पड़े उतना अच्छा है. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बंजारा मार्केट और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप होम डेकोर लेना चाहते हो अपने घर के लिए, तो आप जा सकते हो. सो बहुत सारी शॉपिंग हमने कर ली है, एंड आई वॉन्ट टू कट दिस शॉर्ट ओवर हेयर, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि स्टिल आई एम इन दिल्ली. और हॉल जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक दो वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा.
एंड अभी फिलहाल वी आर गोइंग बैक टू आवर प्लेस, अपनी सिटी वापस जा रही हूँ. तो पैकिंग वैकिंग हम लोग करने में लग गए थे और अभी सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, सो वोंट बी एबल टू शो यू द हॉल, बट इट्स अ प्रॉमिस यू विल गेट द हॉल सून. सो या गोइंग फॉर द डिनर एंड फिर ट्रेन हमें पकड़नी है. बाय, सी इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. गुड नाइट.